welcome back to my channel and thanks for clicking this new video in this lesson we will talk about another important literary figure in indian english literature kamila surayya kamila Surya, Surya, popularly known by her one time pen name kamila das she was an indian poet in english as well as author in malayalam from kerala कामिला suraiya कामिला suraiya was converted to islam in 1999 and announced she planned to marry her muslim lover but she never married in her life 13 may 1909 2009 age of 75 she died in hospital yani ye 2009 mein inki death ho chuki thi kamila suraiya jo hain wo शॉर्ट लिस्टेड भी की गई थी नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर यानी कि कामिला सरैया की राइटिंग को नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड भी किया गया था कामिला सरोया पर बेस्ट नॉन वर्क वॉज एन ऑटोबायोग्राफी विच फर्स्ट अपियर एज दीरीज ऑफ कॉलम इन द वीकली मालियान मालियान्डो इन मालियान जिसका हिंदी वर्जन एंथी कथा के नाम से 1973 में पब्लिश हुआ था इन इंग्लिश माय स्टोरी नाइनटीन सेवन और शॉकिंग इंटीमेट वर्क्स इसके बाद इनके कुछ वर्क्स हैं वो देखते हैं कि इनके कौन कौन से वर्क्स जो मोस्ट अम्पॉर्टेंट हैं समर इन कोलकाता ये इनकी पोइम है एंड इंट्रोडक्शन मोस्ट अम्पॉर्टेंट पोइम है द हॉट नोन इन मालाबार द हॉट नोन इन मालाबार ये भी इनकी एक पोइम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस माई मदर एट सिक्सटी सिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी पोइम है यहाँ पर इन्होंने सिक्सटी सिक्स वर्ड यूज़ किया है जो कि इनकी पोइम की ये खासियत है फॉरेस्ट फायर द फ्री फॉरेस्ट फायर भी इनकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पोइम है द फ्रीक एफ आर ई ए के एस फ्रीक्स द सनशाइन कैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है इसके अलावा एक और इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है द लॉजिंग बैटल द लॉजिंग बैटल वर्ड्स अब इनकी राइटिंग के थीम्स देखते हैं कि इनकी राइटिंग में हमें कौन कौन से थीम देखने को मिलते हैं themes the major themes of most of her poems are the quest for love and her failure to find fulfillment of love in life इनकी लाइफ में हमें फेलियर यानी कि इनकी जो वर्क्स हैं हमें फेलियर लव एंड फुलफ़िलमेंट का एलिमेंट देखने को मिलता है यानी कि वो हमें ये बता बताती हैं कि इंसान को उसकी ज़िंदगी में वो सब कुछ यानी कि फॉरिस्टाइन के लव है जो कि वो उसको कभी नहीं मिलता और फुलफिलमेंट यानी उसकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो उसकी लाइफ में कभी भी पूरी नहीं होती इस चीज़ को इन्होंने कन्फेस्ट भी किया है कन्फेशनल पॉइंट वो एक ऐज़ आ कन्फेशनल पॉइंट भी हैं यानी कि वो अपने वर्क में इस चीज़ को एक्सप्रेस करती हैं कि जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो कभी जिंदगी में पूरी नहीं होती हैं, चाहे जितनी भी हम फेल हो जाएं लाइफ में लेकिन फिर भी हम या तो हम फेल हो या फिर हम सक्सेसफुल हो, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कि रह जाती हैं हर पॉइंट्स आर दी आउटकम ऑफ बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए इन इनकी पोइम्स को हम ऑटोबायोग्राफिकल पोइम भी कहते हैं यानी इनकी पोइट्री में हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट जो है वो देखने को मिलता है अब इनके कुछ अवार्ड्स देखते हैं जो कि इनको दिए गए थे 1968 में करील ए, इनको करीला साहित्य अकैडमी अवार्ड दिया गया था फॉर शॉर्ट स्टोरी तानूपुर एच ए एन यू डबल पी यू नाइनटीन एटी फोर में इनको शॉर्ट लिस्टड किया गया था फॉर द नोबल प्राइज इन लिटरेचर में नाइनटीन एटी फाइव में इनको साहित्य अकेडमी अगेन अवार्ड दिया गया था इंग्लिश कलेक्शन पोइम नाइनटीन एटी नाइन में करीला स्टेट फिल्म अवार्ड भी इनको दिया गया फॉर बेस्ट स्टोरी है नाइनटीन नाइन्टी सेवन में इनको अवार्ड दिया गया था वालिया वालियार वा, वी ए वाई ए एल ए आर वॉलियार अवार्ड इनको दिया गया था इनकी पोइम्स की वजह से 1998 में इनको एशियन पोइट्री प्राइज भी मिला है 2006 में भी इनको प्राइज दिया गया है यानी कि थ्रू आउट इनकी लाइफ में जितने भी इन्होंने अपने वर्ड्स लिखे हैं इनको ऑलमोस्ट उन पर कोई ना कोई प्राइज मिला है और सबसे जो इनकी सक्सेस है कि इनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया था